यह नजारा किसी युद्ध का नहीं बल्कि पानी की विकराल समस्या से निपटने के लिए पानीपत का युद्ध प्रदर्शन है। जनपद परिषद तामिया के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत लहगड़ुआ, जहां भीषण गर्मी में पीने के पानी की समस्या पैदा हो गई। अधिक दूरी, काम का बोझ के चलते हुए पूरा के पूरा गांव अपने परिवार के लिए पानी की व्यवस्था बैलगाड़ी से बनाने में जुटा हुआ है। तो क्या परेशानी होती है पानी की? जी, पानी की बहुत परेशानी होती है। हमारा आखिरी महीने में बहुत परेशानी, हम अंकावाड़ी या काजरा या साजपुर तक से पानी लेके आना पड़ता है। कितनी दूर पड़ता है ये? लगभग 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। अच्छा, आपकी पंचायत लहगड़ुआ में जल नल योजना भी बनाई गई, किंतु बोर का जल स्तर कम होने की वजह से नल जल योजना धरी के धरी रह गई। साथ ही नदी नाले डैम में भी इस वक्त सूख चुके हैं। अच्छा, ये अभी देखा ड्रमों से पानी भर रहे हैं, क्या मामला है ये? सर, पानी की दिक्कत है, यहाँ पानी कम हो जाता है इसलिए ग्राम से ले जाते हैं थोड़ा थोड़ा। गांव में नल जल योजना भी आपकी है, उसमें पानी आता है कि नहीं? उसमें अभी तो काम चालू है सर, पानी तो अभी आज नहीं रहा ना। वो परिषद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत लहगड़ुआ के बीच में खड़े हुए, जहां आप देख सकते हैं पूरा गांव के गांव ड्रम से पानी भरने पर यहां मजबूर है। जबकि आपको बता दें, लहगड़ुआ ग्राम पंचायत ऊंची पहाड़ी पे बसा होने की वजह से भीषण गर्मी के समय यहां का जल स्तर नीचे चला जाता है। साथ ही इस गाँव में नल जल योजना होने के बाद भी हैंडपम्पों में पानी बिल्कुल ही यहाँ मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से पूरा गांव अपने समय को बचाते हुए बैलगाड़ी पर ड्रम रखकर इसी कुएं से पानी भरते हैं। इस कुएं का पानी लगभग 20 से 15 दिन इसमें पानी मौजूद रहे, उसके बाद इसका भी पानी समाप्त होने के बाद यहाँ के लोगों को शासन प्रशासन ने पीने के पानी के लिए ठोस कदम उठाया। इधर घर में आग लगने पर कुआं खोदा जा रहा है, जबकि ग्रामीणों को तत्काल पीने के पानी की आवश्यकता है, किंतु प्रशासन फिलहाल हाल में पाइपलाइन बिछाने व टंकी बनाने में जुटा हुआ है। जबकि गर्मी के आने के पहले ही शासन प्रशासन को अपनी तैयारी कर लेना चाहिए।